तो वोट वाला एक वोटिंग के प्रतिशत के अनुसार मंत्रालय मिल जाते हैं। इसको जो है पॉलिटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको साझा सरकार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपात के अनुसार सरकार में उनका प्रतिनिधित्व हो जाता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है ये भी एक तरीका है जो लोकतंत्र का। फिर जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ साथ जैसे अमेरिका में जो है विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों ही बदलती हैं, हिंदुस्तान के अंदर ये पूरा तंत्र बदलने की जरूरत है। ये जो कि एक बार हमको आईएएस आईपीएस बन गए तो 60 साल तक तो हमें कोई हटा ही नहीं सकता, और अब तो इन्होंने एसोसिएशन भी बना ली है कि हम तो 60 साल तक राज करेंगे। अरे तुम किस बात का राज करोगे? ये तो एक तरह से जोर जबरदस्ती वाला काम है। जिसकी सरकार आए उसको अधिकार होना चाहिए कि वो कैसे। अभी क्या है, अभी खाली ट्रांसफर करके अपने अपने चहेते उनको ले आते हैं, अधिकारियों को, अपने चहेते लोगों को ले आते हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में ही बदलाव का प्रावधान होना चाहिए। अब ये काम तो बड़ा खतरनाक है, कोई कर नहीं सकेगा, कोई उसको होने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहां तो सिस्टम ऐसा है ना कि आप या तो जो है सारे की सारी चीजों को आप संसद में बदलवाइए। इन चीजों में भी बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। अभी सब जगह क्या हो रहा है, जुडिशियली रिफॉर्म कर दो, इलेक्टोरल रिफॉर्म कर दो, चुनाव सुधार कर दो, फिर जो है इसमें जो हमारी कार्यपालिका है उसके अंदर भी जो है ऐसे ऐसी चीजों को ऐसे कर दो, ट्रांसफर का अधिकार ऐसे कर दो, उनके ट्रेनिंग का ट्रेनिंग की प्रक्रिया ऐसे कर दो। अभी ये सारी व्यवस्था गली सड़ी हो गई है। इसलिए मैंने कहा जिस तरह से हम विज्ञान के क्षेत्र में आज कहते हैं कि भाई ये विचार ये जो है ये तो एक साइंस है और इसका इस्तेमाल करने से देखो ये इस तरह से हमको सुख मिलेगा, ऐसे ही इस राजनीति के क्षेत्र में हमको विचारधारा और जो हमारे सिद्धांत हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, कैसा हम एक न्यायपूर्ण राज्य इस देश में कायम करना चाहते हैं, यदि उसको हम लोगों तक पहुंचा देंगे तो पूरा देश अपने आप एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए खड़ा हो जाएगा। क्योंकि वो तो सबको चाहिए, सब सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, कोई किसी तरह का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं चाहते अपने वैयक्तिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने व्यवसायिक जीवन में, किसी अपने धार्मिक जीवन में, कोई भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप तो नहीं चाहते। तो हमारा सबसे बड़ा काम होगा कि हम कैसा एक न्यायपूर्ण, जिसमें किसी का अनावश्यक हस्तक्षेप, किसी का अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप ना हो, ऐसा तो सभी चाहते कि उसके वैयक्तिक जीवन में, उसके व्यवसायिक जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में। अब तो हर जगह शासन ने हस्तक्षेप कर रखा है, पारिवारिक जीवन में भी हस्तक्षेप कर रखा है। हमको शादी कैसे करनी है ये सरकार तय करती है, हमको तलाक कैसे लेना है ये सरकार तय करती है, संपत्ति का उत्तराधिकार क्या होगा ये सरकार तय करती है, संपत्ति के उत्तराधिकार में जो है स्त्री को कितना हिस्सा मिलेगा, पुरुष को कितना हिस्सा मिलेगा, पुत्र को कितना मिलेगा, पुत्री को कितना मिलेगा, फिर कितना पैसा लेकर के आप कितने साल बाद में तलाक कर सकते हो। ये टाइमिंग भी कि तलाक इतने दिन बाद करोगे तो तलाक आपका मान्य होगा, इतने दिन में करोगे तो मान्य नहीं होगा। माने हमारे वैयक्तिक जीवन से लेकर के, पारिवारिक जीवन से लेकर के व्यवसायिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में आप कमाओगे, आप कोई इंस्टीट्यूशन बनाते हो उसमें कुछ चीजें अच्छे के लिए हो, वो बहुत सामान्य सी चीजें हो सकती है, लेकिन इतने ज्यादा उसके अंदर अड़चन डाल रखी है कि आपको एक इंडस्ट्री चलानी है तो कम से कम उसके लिए 40 से 50 60 तक एनओसी लेनी पड़ती है। और वो एनओसी लेने का मतलब कोई आपको बढ़िया ढंग से व्यवसाय चलाने की जरूरत नहीं, बस वहां पैसा जमा करा दिया आपको सारी एनओसी मिल जाएंगी। तो कोई जो है आजकल ये जो जितने भी लोग व्यापार करने वाले उनको ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की बीमारी कोई व्यापार करने से नहीं होती है, इस व्यवस्था के कारण से लोगों को ब्लड प्रेशर है, उसके कारण से हार्ट अटैक हो रहा है, उसके कारण से शुगर बढ़ रहा है लोगों का।
ये सच्ची बात कह रहा हूं मैं। जितने भी आप इन व्यापारियों को देखोगे तो इनका किसी का ब्लड प्रेशर, किसी का शुगर, की नींद आती नहीं है, पागलों की तरह बेचारे लगे रहते हैं, गधे की तरह समय से शाम तक। फिर और डरते इतने, कोई इंस्पेक्टर आकर के थप्पड़ मार देता है पुलिस वाला, तो उसका क्या मतलब इंडस्ट्री में, क्या कैसे इंडस्ट्री चलती है, किस तरह से वहां पर प्रोडक्शन होता है, किस तरह से उसकी मार्केटिंग होती है, क्या उसमें रॉ मटेरियल होता है, क्या उसमें क्या चीजें होती हैं। ठीक है कोई गलत करे तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन वो जाकर के उसको दो थप्पड़ मार देता है, उसको पकड़ के थाने में डाल देता है, बोले लाने तो जिसकी जितनी हैसियत है उतना उससे पैसे ले लेते हैं। फिर वो पुलिस वाला हटता है, फिर इनकम टैक्स वाला पहुंच जाता है, फिर इनकम टैक्स वाला पहुंचता है सेल टैक्स वाला पहुंच जाता है, सेल टैक्स वाला हटता है तो फिर जो है उसमें एक्साइज वाला पहुंच जाता है, एक्साइज वाला हटता है तो फिर ईडी वाला पीडी वाला पहुंच जाता है, फिर वो हटता है तो फिर कोई और सीबीआई वाला आ जाता है, फिर वो हटता है तो फिर कोई राजनीतिक गुंडा आ जाता है, बोले मैं चुनाव लड़ रहा हूं मुझे पैसा दो, फिर वो वहां से हटता है तो फिर कोई और कोई वहां लोकल फिरौती वाले मांगने वाले जाते, बोले इनको क्यों देते, बोले ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, बोले ये गवर्नमेंट चला रहे हैं तो हमारी मर्जी के बिना तो फैक्ट्री चला के दिखा दे, हमको दे दे इतने पैसे ना, तो फैक्ट्री को बंद करवा देंगे। फिर ये गुंडा टैक्स आ जाता है, माने इतना आदमी परेशान है, तो हमको एक आदर्श राज्य व्यवस्था हम कैसी देना चाहते हैं उसका एक पूरा, जो आपको जो बताया है ना कि ये जो आध्यात्मिक न्यायवाद, हम इस देश में एक न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था चाहते हैं, एक आध्यात्मिक शासन व्यवस्था चाहते हैं, ये हमने यदि देश भर में प्रचारित कर दिया, जन जन तक प्रचारित कर दिया, तो पूरा देश परिवर्तन के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि सब एक न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था चाहते हैं, जिससे कि उनके वैयक्तिक पारिवारिक व्यवसायिक जीवन में किसी तरह का हस्तक्षेप ना हो, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले। ये सारी राजनीतिक व्यवस्था बदलने की जरूरत है, कहने का मतलब यह है, सारी राजनीतिक व्यवस्था और पूरी शिक्षा व्यवस्था, जैसा हम चाहते हैं वैसे हमारे बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता, जैसे मां बाप चाहते हैं वैसे उनके बच्चों को बनाया ही नहीं जाता, क्यों, वो डिपेंडेंट है उन स्कूलों पर, क्योंकि उन स्कूलों में नहीं पढ़ाया तो उसके बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा। पढ़ा देखो विचित्र अवस्था कि कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, इसको तय बेपढ़े लिखे चरित्रहीन लोग करते हैं, जिनका कोई कैरेक्टर नहीं है। अब एक रेस्टोरेंट में खाने परोसने वाली औरत यह तय कर रही है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, भाई वो ये तो तय कर सकती है कि थाली के अंदर कहां पर रसगुल्ला रखा जाए, कहां पर जो है, अब उसको तो यहां तो इतना तो, कहां पर चटनी रखी जाए, कहां पर भरता रखा जाए, कहां पर रोटी रखी जाए, कहां पर चम्मच रखा जाए, कहां चाकू रखा जाए, किस तरह से खाना परोसा जाता है, वो बात तो समझ में आती, उसको क्या पता कि एजुकेशन क्या होता है। अब बताओ ऐसे कैसे बचेगा हिंदुस्तान, तो हमको अब क्या बताना है हमें हिंदुस्तान के लोगों को, तो ऐसे करीब 10-11 बात है, तो हिंदुस्तान के लोगों को उन 10 बातों में एक बात तो ये बतानी है कि भाई हिंदुस्तान में जो ये जिसको ये कह रहे लोकतंत्र चल रहा है, ये लोकतंत्र नहीं, ये लूट तंत्र चल रहा है, ये नोट तंत्र चल रहा है, ये भ्रष्ट तंत्र चल रहा है, ये पूरा का पूरा झूठ तंत्र चल रहा है, ये पूरा लोकतंत्र के नाम पर षड्यंत्र चल रहा है, ये पूरा का पूरा जो है अज्ञान तंत्र चल रहा है, अन्याय तंत्र चल रहा है, इस अन्याय तंत्र को, इस झूठ तंत्र को, इस षड्यंत्र को, इस लूट तंत्र को, इस नोट तंत्र को, इस पूरे के पूरे जो है इस लोकतंत्र के नाम पर जो नाटक चल रहा है, इसको पूरा बदलने की जरूरत है, और हम इसको पूरा बदलवाएंगे, ऐसा लोगों के भीतर विश्वास है। और आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार से लेकर के आपको आपके वैयक्तिक पारिवारिक सामाजिक व्यवसायिक जीवन में हम आपको आजादी के साथ जीने का हक देंगे, सब लोगों को आजादी। एक तो ये हमें लोगों के भीतर ये भाव जगाना है कि हम आपको एक आदर्श शासन व्यवस्था, एक न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था, हम आपको पूरी आजादी देंगे, फिर किसी को ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, फिर कोई किसी से फिरौती मांगने नहीं आएगा, चंदा मांगने नहीं है, क्या मतलब है चंदा मांगने का, कौन सा धर्म का काम कर रहे हो, कौन सी गौशाला चला रहे हो भाई, तुम कौन सी धर्मशाला चला रहे हो, ये राजनीतिक लोग जहां चंदा मांगने जाए वहां वाइन की खूब बढ़िया पूजा होनी चाहिए, किस बात की भाई, तुम क्यों आए हो हमारे पास, तुम कौन सा पुण्य कर रहे हो तो बताओ, पहुंच जाते हैं और एक एक आदमी जो है 5-5, 10-10 करोड़ मांग लाता है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए,
एक आदमी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए फिर एक एक दो दो तीन तीन करोड़ पांच पांच करोड़ मांग लेता, ऐसे मांगते हैं। फिर दूसरे लुटे रहे और चारों तरफ से घुसा रहे। तो इसे देश में वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये एक बड़ा विश्वास जगाने की जरूरत है कि हम एक ऐसी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था इस देश में लेकर के आएंगे जिससे कि आपको वैयक्तिक पारिवारिक व्यवसायिक जीवन में पूरी आजादी के साथ आप अपनी जिंदगी को जी पाएंगे, सच्चे अर्थों में आप खुली सांस ले पाएंगे।